हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगे मुझे जानने से मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाएंगे। आगे क्या पूछना चाहते हैं? पूछ रहे हैं कैसे जान जाएंगे? हाँ पूछ रहे हैं कैसे जान जाएंगे? कैसे जान जाएंगे? अच्छा वो तो पूछ रहे हैं, तुम्हारी समझ में आ गई हैं? क्या आ गई बताओ, इनको बता दो। बता नहीं पाएंगे, गूंगे तो गुड़ है, इसमें द्वारा लगा है ना। मुझे जानने से मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जावेंगे। ये द्वारा, ये मीडिया कौन है? हैं? ये मीडिया कौन है? शिव ज्योति बिंदु मीडिया है क्या? हैं? प्रजापिता मीडिया है। तो प्रजापिता को जानने में माया बार बार अर्चन तो नहीं डालती है? अंश बुद्धि तो नहीं होते हैं? तो यही बात बताई है। मेरे द्वारा मुझे जानने से कौन बोलने वाला है? फिर द्वारा कौन है जिसे मीडिया को जानने से निश्चयात्मक बुद्धि से? ऐसे नहीं आज जाना और कल किसी ने कान फूंक दिए और निश्चय बुद्धि हो गए, ऐसा होता तो है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि एवर प्योर जो है वो तो निराकार है। और जब तक साकार न बने तब तक एवर प्योरिटी का कोई प्रूफ भी नहीं मिल सकता, कोई साबित भी नहीं कर सकता कि एवर प्योर कैसे है, एवर इम्प्योर कैसे है। हाँ भावना बैठी हुई है कि भगवान तो एवर प्योर ही होगा, लेकिन मुसलमानों के मिसल वो अंधश्रद्धा की भावना है। जैसे हम मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, अब क्या आसमान में से फरमाया? अरे फरमाएंगे तो कोई मुख से तो फरमाएंगे ना। अल्लाह मियां को निराकार ज्योति समझते हैं, नूर समझते हैं, तो कैसे समझा फरमाएगा? बात समझ में आई है? हाँ जी बैठ। शेर की तरह संसार रूपी जंगल में जो दहाड़ मारता है ना, उसको कंट्रोल में कर लेती है प्यार में आकर के। शेर नहीं, शेर को कब कंट्रोल कर पाती है? लड़ाई लड़के कंट्रोल करती है या प्यार में कंट्रोल करती है? हैं? प्यार में कंट्रोल कर लेती है। तू भी शेर नहीं बन जा। प्रजापति तो शंकर जी को नहीं बुलाया, मतलब पार्वती बिन बुलाए चली गई थी, तो ये मतलब झंझट कर दिया, मतलब ज्ञान में क्या कह रही हूँ?
पार्वती कहाँ है? अरे यज्ञ में पार्वती कहाँ है? ये एडवांस ज्ञान में कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ है? बीके में। बीके में जहाँ कहीं भी पार्वती है वहाँ बीके वाले शंकर जी को आमंत्रण देते हैं, आ जाओ हम तुम्हारी खातिरी करेंगे। नहीं दे रहे तो पार्वती को गुस्सा नहीं आएगा? पार्वती को गुस्सा आता है तो देह अभिमान को स्वाहा कर देती है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है, कोई उलाहना नहीं। जब आत्मा बन जाए और देवान को भस्म कर दे, काम क्रोध को भस्म कर दे, सहन कर ले, तो जैसे कि देह को भस्म कर दिया। प्योरिटी में रहने वाली आत्मा ही ऐसा कर सकती है या पवित्र आत्मा ऐसा कर सकती है? पवित्रता की स्टेज में रहने वाली ही आत्मा ये कर सकती है। पूरा ही देवान भस्म हो जाता है तो फिर रुद्रगणों को गुस्सा आ जाता है, हमारी अम्मा को भस्म कर दिया, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। अभी एडवांस नॉलेज में चलने वालों को ऐसा एहसास होता है कि बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया खलास होने वाली है और हमारे द्वारा खलास होगी। दुनिया में और कोई इनको ध्वंस नहीं कर सकता। शंकर और शंकर के रुद्रगण जो विश्व की बात का ही लेते हैं, वो ही इस स्थूल यज्ञ को खलास कर देंगे। उनका मैटेरियल यज्ञ है और हमारा ज्ञान यज्ञ है। आया समझ में? आजी बाबा कई धर्म का प्यार को समझा जब भी समझ में नहीं है। माताएं भाई लोग नहीं समझ रहे? अच्छा, तो भाइयों को आप समझाते हैं? समझाने की कोशिश करी समझी। अच्छा, समझाने वाला पवित्र होना चाहिए या पवित्र होना चाहिए? हैं? पवित्र होना चाहिए। ऐसे नहीं हाथ रखा और दिल घबराने लगा तो उसे आप पवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे? वो तो अपवित्र हो गया, वो क्या समझाएगा? प्रैक्टिकल में अपवित्र आत्मा पवित्र आत्माओं को ज्ञान नहीं दे सकती। इसलिए बेसिक में चलने वाले जो भी चंद्रवंशी हैं, बल मुट्ठी भर हैं, उन आत्माओं के ऊपर एडवांस ज्ञान का कोई असर नहीं हो रहा है। पति पत्नी के परिवार में भी ऐसे ही है। इसलिए पति लोग समझते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, और सभी भाइयों को दूल्हे दुल्हन कहा गया है। कहा गया है? बहुत खराब बात कह दी। मैंने कपड़े के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती बाबा है। मैंने कपड़े के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। हाँ जी, तो बाबा ये वृद्धि भाइयों के वृद्धि कम क्यों बाबा जी है? बाबा की बाबा की दृष्टि भाइयों के प्रति इतनी नीची दृष्टि क्यों है? हैं? क्या आदिवासी लाइन बना के हैं? माता बहनों का भेजना तो आदिवासी लाइन बना के भाइयों को भी बाबा पान बैठाते थे। कन्या माताओं को आगे आगे बैठा लेते हैं, भाइयों कहते हैं दूर दूर पीछे बैठो पीछे। और
की कमी कर दी और दृष्टि में बाबा की नीची दृष्टि से भाइयों को देखते हैं। हाँ मत वही नीची कम माने क्या, ऊंची दृष्टि से देखना और नीची दृष्टि से देखना। तो दुर्योधन दुशासनों को नीची दृष्टि से देखते हैं या कन्या माताओं को नीची दृष्टि से देखते हैं? अरे जवाब तो देते जाओ। अच्छा बाप जो देखते हैं वो आत्मा देखते हैं या आत्मा के पार्ट को देखते हैं? है? आत्मा जब देखते हैं तो जानते हैं ये सब पूर्व जन्म में दाढ़ी मूछ वाले पुरुष भी थे और ये भी जानते हैं ये जो पीछे बैठे हैं वो पूर्व जन्म में इनमें से ढेर के ढेर बिंदी पाउडर और 16 श्रृंगार करने वाली कन्याएं माताएं ही थी। तो बाप नीची ऊंची दृष्टि से देखते हैं या समान दृष्टि से देखते हैं? ये तो तुम्हारा देवान हो गया। और हाँ बाबा ने बोला कि जब मार्ग में दान कर देती हूँ गंगी मार्ग में दान कर देती तो भूल जाते और बाबा के यहाँ कन्या सलेंडर करती माता है तो मुश्किल नहीं उसको भूलने के लिए क्या करे बाबा? भूलने के लिए क्या करे माता? भक्ति मार्ग में कहते हैं दान दे करके कुएं में डाल दिया। हाँ भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? जो दिया वो कुएं में डाल दिया फिर उसको याद भी नहीं करना है। तो ये बात कहाँ की है? है भक्ति मार्ग की बातें सब कहाँ की हैं? ये भी संगम युग की बातें हैं। कन्यादान श्रेष्ठ होता है या धन संपत्ति और प्रॉपर्टी का दान श्रेष्ठ होता है? कन्या से बड़ा रतन और कोई होता भी नहीं, हीरा भी नहीं उसके मुकाबले, हीरो पार्टदारी भी उसके मुकाबले उतना बलवान दान नहीं है। लेकिन ऐसा दान करने के बाद फिर वापस लेने का संकल्प या इच्छा करना भी वहां पाप पैदा कर देता है, उससे कन्या को भी आकर्षण होने लगता है, दिल से दिल को राहत होती है, यज्ञ में विघ्न आते हैं और वो विघ्न लाने के लिए माया का रूप हम बन जाते हैं। और अहिल्या जी अहिल्या को देखकर इंद्रदेव के मन में द्वेष का भाव आए हैं? अहिल्या को देखकर इंद्रदेव के में द्वेष का भाव आए, भाव आया, भाव आया, उन्होंने प्रैक्टिकल में पकड़ नहीं लिया। भाव आया वो तो माया का रूप हुआ है। भाव आया कि उन्होंने प्रैक्टिकल में पकड़ लिया? भाव क्यों बता रहा हूँ? भाव क्यों, तुम क्यों बता रहे हो? जो प्रैक्टिकल में हुआ तो बताओ। वो तो माया। अरे जो गौतम ऋषि ने अहिल्या से पोता मेल पूछा और पोता मेल उसने बता दिया, तो इसमें भाव आया या प्रैक्टिकल हुआ? है? अरे क्या हुआ, रुक गए क्यों, बोलते क्यों नहीं? प्रैक्टिकल हुआ तो भाव आने की तो बात ही नहीं। भाव आना माने अनुमान आया, अनुमान से तो नुकसान हो जाता है, अनुमान की बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया की प्रैक्टिकल बातें हैं जो आगे चल करके खुल जाएंगी। अभी तो सिर्फ इतना ही खुल रहा है कि आधार मूर्तों की दुनिया में अहिल्या कौन है,
जो किसी सर्प के साथ अपना लगाव देह का पैदा हो गया, तो उस लगाव के कारण सर्प को भी पकड़ करके भगवान बाप की सभा में ले आई। वो तो आधार मूर्त दुनिया की बात, उससे भी ऊंची कौन सी दुनिया है? बीज रूप आत्माओं की दुनिया, उसमें भी कोई अहिल्या है जो एक नहीं अनेक सर्पों को पकड़ पकड़ करके ले आती है और सारे ही दुश्मन बन करके बैठ जाते हैं। एडवांस यज्ञ में उन दुश्मनों के द्वारा विघ्न पड़ते रहते हैं। एडवांस पार्टी जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसे आप भावना समझते हैं, प्रैक्टिकल बात है। बाबा ऐसे तो बहुत सारी माताएं हैं जो बाबा ने तो मना किया है। बाबा ने तो मना किया है स्पष्ट, कितनी मुरलियों में बोल दिया कि भिखारियों को पकड़ पकड़ करके नहीं ले आना है। फिर भी तो नहीं मान रही ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो फिर अहिल्या बनेगी ना, अहिल्या बने बुद्धि कैसी बनेगी? पत्थर बुद्धि बन जाएगी। ज्यादातर पत्थर बुद्धि भाई लोग दिखाई देते हैं या माताएं दिखाई देती है? भाई लोग दिखाई देते हैं। भाइयों का तो फिर भी ज्ञान में मनन चिंतन मंथन चलता है, माताएं तो एकदम पत्थर बन जाती हैं। नंबर वार है, एक जैसे पत्थर नहीं होते हैं, कोई तो एकदम ग्रेनाइट के काले भुजंग पत्थर होते हैं, तोड़ने से भी नहीं टूटते। पत्थरों को तोड़ते तोड़ते बाप की नाक में दम आ जाता है। शास्त्रों ने कथा कहानियां बनाई दी हैं, पत्थर का पहाड़ काट करके नदी निकाली। सीरी फरियाद की कहानी बनाई थी, गीता पाठशाला का अच्छा वातावरण, अच्छा वातावरण बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अमृत वेला सुहाला कर देना चाहिए। थोक बता दिया क्या? अमृत वेला और सेवा, ब्राह्मण अगर याद और सेवा का पाठ पक्का बजाते रहे तो कोई विघ्न आता ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चलेगा। ऐसे अनुभव होगा जैसे बाप सकारी करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, करावनहार कराए रहा है। ठीक है, पत्थर बिचारों का क्या हाल होगा? पत्थरों को नहीं तोड़ा जाएगा, पत्थर बुद्धियों को छोड़ दिया जाए, माताओं संख्या ज्यादा होती है। देखो भाई क्या कह रहा है, और आगे बढ़ जाए, कोई पहाड़ क्रॉस कर जाए हाई जंप लगा के, तो पत्थरों का क्या हाल होगा? है नदी निकलेगी है? नहीं निकलेगी, इसलिए सब कुछ ड्रामा में नूद है। बैठ जाओ,
उल्लू उसे कहते हैं जिसे अपनी भाषा में हम लोग चमगादड़ कहते हैं। बाबा मुरली में उल्लू किसे बताते हैं? चमगादड़, जो नीचे की ओर मुंह करके पृथ्वी की ओर, जमीन के ऊपर मिट्टी की तरफ बुद्धि करके लटका रहता है, बाबा उसको उल्लू कहते हैं। उल्लू का मतलब ये हुआ कि जितने भी दुनिया के पैसा कमाने वाले बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोगों में भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस में ही लगी रहती है, दुनियावी बिजनेस, देह और देह के संबंधियों को पालन पोषण करने में इतनी बुद्धि बिजी हुई पड़ी है कि उल्लू मिसल बन पड़े हैं। उनकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? मिट्टी में। ये देह कैसे बनती है? मिट्टी से। ऐसे बड़े बड़े धनवान जो मिट्टी से धन कमाने वाले हैं, विनाशी धन, उनके ऊपर लक्ष्मी सवार होकर के कार्य करती है, उनकी सवारी बनाती है और अपना घर परिवार संभालती है। ऐसी लक्ष्मी ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में है या एडवांस की दुनिया में है? बेसिक की दुनिया में है, बहुत पैसा कमा रही है। कितना धन संपत्ति का आगार उस ब्रह्मा कुमारी के पास है, उतना कोई ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं है। उल्लुओं के ऊपर सवारी करके बैठी हुई है। एडवांस पार्टी में जब आवेगी तो उन उल्लुओं के ऊपर सवारी होकर, सवार होकर के आवेगी या शेर के ऊपर सवारी करके आवेगी? अरे उन उल्लुओं के ऊपर ही सवारी करके आवेगी। बाद में फिर जब अब पार लगाने का कार्य करती है एडवांस नॉलेज लेकर के, तब सिंहवाहिनी कही जाती है, क्योंकि शेर सिर्फ प्यार से ही कंट्रोल आता है और कोई और तरीका नहीं है उस शेर को कंट्रोल करने का। उल्लुओं के ऊपर तो ऐसे ही बुद्धू बना के सवारी कर लो। महाभारत में इस पिता महा को युद्ध में कांटों के शरीर पर लेटा दिखाया गया है। हाँ जी। और चित्र में इधर राम वाली आत्मा को, अब इसमें क्या? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो सन्यासियों का बाप नहीं है क्या? है फिर क्या बात? और बीस माने भयंकर, पितामह माने बापों का बाप। भीष्म पितामह अर्जुन से क्या कहते थे? अर्जुन बच्चे के रूप में उनकी गोद में आता था, तापसी तापसी तापसी, तो वो कहते मैं तुम्हारा तापश्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारे तात का तात हूँ, तुम बार बार भूल क्यों जाते हो? बापों का बाप हूँ। तो बाबा यहाँ पे उन्होंने कौरव का साथ क्यों दिया? क्यों? जो सारे जगत का पिता है,
जब देखता है कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, स्वदेशी प्रत्यक्ष नहीं करते, तो किसका साथ देगा? हाँ? बाप किन बच्चों को प्यार करते हैं? हाँ? जो बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा करते हैं उन बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए भारत दो हिस्से कर दिए, एक दक्षिण भारत और एक उत्तर भारत। उत्तर भारत हो गया रामकृष्ण की जन्मभूमि भारत, और भगवान चक्कर इस समय लगाता है दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में है? भगवान को प्रत्यक्ष करने का काम पहले पहले कौन से बच्चे करते हैं? विदेशी बच्चे करते हैं। इसलिए प्रजापिता को या शंकर को शास्त्रों में दिखाया गया है कि असुरों का भी कल्याण करता है और देवताओं का भी कल्याण करता है, लेकिन विष्णु को सिर्फ देवताओं का कल्याण करते हुए दिखाया गया। बाबा एक मुरली ने बोला है तो अंत समय सात दिन तो पाठ बजाओ बाबा को, कौन से पाठ? मुरली में बोला है अंत समय में ऐसो पार्ट बजेगो, कैसो पार्ट बजेगो? हैं? बाबा को पार्ट तो अब बज रहे हो हैं? जो पार्ट बज रहे हो तो कोई की समझ में नहीं आ रहे हो, इसलिए तो घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा हो रहा है। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, उल्लू की तरह उल्टे लटक जाते हैं। हाँ। शंकर के माथे पे आठ अक्षरों को दिखाया, आठ अक्षरों को दिखाया। हाँ जी, ऊपर गंगा को दिखाया, उसके ऊपर नहीं दिखाया है, उनके बीच में दिखाया है। गंगा निकलती है तो अष्टदेव भी प्रत्यक्ष होते हैं। ज्ञान गंगा नहीं निकलेगी तो अष्टदेव भी प्रत्यक्ष नहीं होंगे, इसलिए बोला है अभी अष्टदेवों में से दो ही प्रत्यक्ष हुए हैं, दो सीट प्रत्यक्ष हुई है, बाकी छह अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। इसलिए लेट का बोर्ड लगा है लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। अंत में निकलेगी तब अंतिम प्रत्यक्षता होगी आठ की, अभी तो सिर्फ इशारा मात्र दे दिया, अभी आठ की परीक्षा कहाँ हुई है? जो बाप की परीक्षा होती है वो बाप की परीक्षा बच्चों की भी परीक्षा होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो को छोड़ के क्यों? उनमें एक की तो पहले से ही परीक्षा हो रही, सारा जीवन ही परीक्षा का है। भीष्म पितामह के जीवन में परीक्षा नहीं रहती है क्या? परीक्षा ही परीक्षा है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, किसका है? अरे दूसरा तो अभी डिक्लेयर हुआ है, वही तो कहे का नंबर डिक्लेयर होने से पेपर हो जाता है। सन 76 में बाप का नंबर डिक्लेयर हो गया तो पेपर पूरा हो गया, पेपर फाइनल सबका एक साथ होगा या आगे पीछे होगा? हैं? सबका पेपर एक, सबका फाइनल पेपर एक साथ होगा। गंगा यमुना सरस्वती और ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना सरस्वती
गंगा यमुना सरस्वती ये नदियां हैं रुद्रमाला के अंदर विशेष। फर्स्ट क्लास माला आज की माला है। फर्स्ट क्लास माला तो रुद्रमाला है। आज की माला है। हाँ जी हाँ। अरे नदियों के बगैर ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? पहचान मिल जाएगी क्या? पहचान देने के लिए निमित्त कौन बनती है? हैं? अरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के निमित्त पवित्र आत्माएं बनेगी या दुर्योधन दुशासन बनेंगे? हैं? पवित्र आत्माएं बनती है। तो कन्याएं माताएं हैं नदियां, वो नदियों के द्वारा जब ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है तो प्रत्यक्षता होती है। दीपावली की पूजा पे गणेश और सरस्वती बता दूंगे विष्णु के अंग बताते हैं। गणेश और सरस्वती को दिखाते हैं कि गणेश के साथ लक्ष्मी को दिखाते हैं? हैं? हाँ लक्ष्मी गणेश और सरस्वती। हाँ सरस्वती तो नहीं दिखाते हैं, गणेश और लक्ष्मी को दिखाते हैं। है गणेश है बच्चा, बच्चों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला गणेश का रूप दिखाया है, और माँ है बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, जो गणेश की अम्मा है वो साथ में दिखाई है। माँ और बेटे माने शक्तियाँ और पांडव, पांडव भी ऐसे हो जिनका माथा चौड़ा हो, मनन चिंतन मंथन करने में फर्स्ट क्लास हो, कान सूप की तरह लंबे चौड़े हो, ज्ञान उनमें भरा हुआ हो, ज्ञान को सुनने वाले हो ध्यान से, विकारों की पूछ छोटी हो लेकिन देहभान बहुत बड़ा हो, लेकिन आंखों में मद भरा हुआ हो, ऐसे गणेश जी जब लक्ष्मी का सहयोग करते हैं तो ज्ञान धन अच्छी तरह से बांटा जाता है। बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है। कहाँ का? शमशाबाद का प्रकाश भाई। आठ नौ साल अच्छा चला। हैं? आठ नौ साल, नौ साल। आठ नौ साल अच्छा चला। हाँ। अब से आप विदाई लिया है वो घर भी नहीं चले हम घर है। हाँ हाँ तो 63 जन्मों में जो काम किए हैं, कोई जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, कोई जन्मों में बहुत बुरे काम किए हैं। तो अभी अभी रील घूम रही है, जब रील घूमती है बुरे कर्मों की तो पुरुषार्थ कैसा हो जाता है? डाउन हो जाता है। इसलिए परचिंतन छोड़ दीजिए, भरी सभा में किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के नहीं उछालना चाहिए। दुनिया में धर्म पिता है, वो धर्म पिता है अभी ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद है या नहीं है? हैं? अरे अभी झाड़ छोटा है या बड़ा है? छोटा है तो छोटे में शाखाएं कहाँ से आ जाएंगी? अभी तो तना भी तैयार नहीं हुआ है देवी देवता सनातन धर्म का, फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का। तो वो तने इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस के जो बाप हैं
वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं नहीं, वो गुप्त हैं। बड़ा झाड़ अभी निकलेगा, सारे संसार में एक एक पत्ते को बाप का परिचय मिलेगा, सारी दुनिया उस बाप को पहचानेगी। जो नास्तिक आत्माएं हैं, बिल्कुल नास्तिक, न आत्मा को मानती, न परमात्मा बाप को मानती, न स्वर्ग को मानती, न नरक को मानती, इतना अहंकार भरा हुआ है कि हम ही सब कुछ हैं, हम जो चाहे सो कर सकते हैं, एटम बम बना के दुनिया को ध्वंस कर सकते हैं, अभी अभी चाहे तो अभी अभी कर दे। ऐसे परमात्मा बाप को न मानने वाले अहंकारी भी अंत में कहेंगे, ओ गॉड फादर, गॉड फादर इज ट्रुथ, भगवान एक ही सच्चा है और वो इस सच्ची पर आया हुआ है, मानेंगे। एडम को, आदम को स्वीकार करेंगे, अभी झाड़ बड़ा कहाँ हुआ है, अभी तूफान लगते रहते हैं या नहीं लगते, छोटे झाड़ को तूफान ज्यादा लगते हैं या जब जड़ें गहरी पकड़ जाता है तो तूफान ज्यादा लगते हैं, हैं? छोटे झाड़ को तूफान ज्यादा लगते हैं। अभी माया प्रबल है तूफान लाने वाली, अभी बाप प्रबल नहीं है, मनुष्य शक्ति का बाप, शिव बाप की तो बात ही नहीं, मनुष्य शक्ति का बाप जब प्रबल हो जाएगा तो हाई जंप लगा करके बैल के ऊपर सवारी कर लेगा, अभी तो बैल अपना काम करता है, है? बैल घूम रहा है, अभी नाथ नहीं पड़ी है। हाँ जी, लंगोटी पहनने का मतलब है नंगे हो जाते हैं, आत्मा बन करके यज्ञ करते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके जब हम ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा, या देवान में आकर के दूसरों को ज्ञान देंगे तो असर ज्यादा होगा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ इसका नाम है, है? माताओं कन्याओं को, माताओं कन्याओं में देवान ज्यादा होता है या पुरुषों में देवान ज्यादा होता है? माताएं कन्याओं को कहो रुद्र ज्ञान यज्ञ में लंगोट बांध के बैठो, बैठेंगी क्या? स्त्री जाति में देहभान देह का होना होता है, शुक्र करो पुरुष का जन्म मिला है, हैं? हैं? व्रत, हाँ, उसके बाद वो उसे कलात्मक होते हैं, उसे कलात्मक है, इसके बाद में भी होते हैं, हाँ जी, और इसके बाद में जल से अच्छे करते हैं। अरे लंबा लंबा क्यों पूछ रहे, एक एक करके बात सारी पूछो, हैं? हाँ हाँ, घी डालते हैं, पूर्ण आहुति के बाद कोई आहुति नहीं डाली जाती, हाँ जी, हाँ जी, ग्रत किसे कहते हैं? ज्ञान ग्रत नहीं होता है, याद का ग्रत होता है, ज्ञान का तेल हो सकता है, ज्ञान का पानी हो सकता है, ज्ञान का दूध हो सकता है, लेकिन ग्रत नहीं होता है, ग्रत शुद्ध चीज को कहा जाता है। याद का ग्रत ये परमानेंट हो जाता है ज्ञान कलश में,
याद हमेशा के लिए टिक जाती है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण हो गया। अंतिम आहुति जो बची खुची है वो शंकर के लिए डाल दी जाती है। हैं? हाँ जी, इसीलिए तो जल छिड़कते हैं कि सबको मिल जाए। और जो सात ऋषि हैं, ऋषि पवित्र को कहा जाता है, जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं वो ही सत्युग में नारायण बनती है। और बात हो रही है, हाँ बोलो। हैं? आत्मा की शिक्षा में दिखती नहीं, मन बुद्धि थोड़ी दिखाई पड़ेगी। अरे शरीर छोड़ करके ज्योति बिंदु गर्भ में प्रवेश कर जाता है। शरीर रहते रहते क्या कोई आत्मा जैसे बोला है कि तुम बच्चे बच्चों में प्रवेश करके बात करें? हाँ, तो वो जो स्टेज होगी, वो स्टेज तो ऐसी स्टेज होगी जिसमें देह का भान ही नहीं रहेगा। जब चाहे तब हम मन बुद्धि को देह से बिल्कुल डिटैच कर ले। उस समय भूख और प्यास की भी परवाह नहीं रहेगी। अभी तो भूख लगती है तो आत्मा कुलबुलाने लगती है। जब वो संपूर्ण स्टेज आवेगी तो आत्मा को ये भी परवाह नहीं रहेगी कि भोजन मिले पानी मिले नहीं, किसी भी प्रकार के भोग से इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। प्रवेश करते हैं तो उनकी आत्मा की वृद्धि होती है। आत्मा तो वृद्धि नहीं है, लेकिन अपनी तो लगातार टिकने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। बार बार घड़ी में घड़ी घड़ी देह में आ जाने की प्रैक्टिस न हो ना। कल्पना है नहीं बिंदी, अरे नहीं, जो चीज आँखों से दिखती है उसी को मानना है, जो आँखों से नहीं दिखती है उसको नहीं मानना है। मलेरिया का कीटाणु आँखों से नहीं दिखता है, डॉक्टर लोग उसे टेलीस्कोप से देख लेते हैं, तो जब तक आप टेलीस्कोप में नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे क्या उसको? कल्पना मानेंगे? माने बुद्धि में ही अभी ये बात बैठी नहीं, आत्मा अलग की कोई चीज है। हाँ हाँ, मन बुद्धि और संस्कार, देखो मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि में जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों का जो असर बैठ गया है, प्रभाव बैठ गया है, वो संस्कार भी आत्मा में मौजूद है। जन्म जन्मांतर के अच्छे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कार भी हैं, उसको आत्मा कहा जाता है। अभी तमो प्रधान आत्मा बन गई है तो उसकी ज्योति उजियाई गई है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जब आत्मा रूपी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी तो उसे देह से डिटैच हो जाएगी। जब चाहे हम शरीर में प्रवेश करें और जब चाहे प्रवेश न करके कोई में भी प्रवेश करके जो भी काम करना है वो करके वापस आ जाए। नहीं तो इन एटम बम बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी दम डकार नहीं है जो अपनी बनाई हुई चीज को अपनी रचना को इस्तेमाल कर सके। डर रहे हैं,
70 साल हो गए एटमिक एनर्जी तैयार हुए, ये हम पावरफुल आत्माओं की बात है। शंकर समान स्टेज में धारण स्थिति होने वाली आत्माओं की बात है कि वो दूसरों के शरीर में प्रवेश करेंगी और जो संकल्प उनके अंदर पक्का करना होगा करेंगी और वापस आ जाएंगी। अंधकार जो किसकी तरफ बिता रहा है, किसकी तरफ इशारा है, सभी की तरफ इशारा है। स्त्री चोले में जो आत्मा है वो तो बाबा बताते हैं, जो पुरुष हैं वो याद करते हैं स्त्री चोले को ज्यादा। स्त्री है तो पुरुष चोले को याद करती है, है ये बात लागू नहीं हुई अंधकार जो स्त्री है किसके ऊपर, स्त्री चोले में आत्मा। हाँ, तो ये जो कहा अंधकार जो स्त्री चोले बल बल देवता योनि देवता योनि पे, स्त्री को याद करे तो देवता यूं नहीं मिले। हाँ जी मना, देवान से अलग होने वाली आत्मा स्त्री पुरुष के आकर्षण से परे हो जाती है, आत्मिक स्थिति में टिक जाती है, ना स्त्री ना पुरुष, स्त्री पुरुष का भान ही खलास। जन्मों का वर्षा मिलता है, ठीक है, और लौकिक बाप से 63 जन्मों का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से कहाँ 63 जन्मों का वर्षा मिलता है, है? न बेहद के लौकिक बाप से 63 जन्मों का वर्षा मिलता है नहीं। हाँ, यहाँ संगम युग में पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ का मादा जिनका अच्छा होगा उस मादे अच्छे होने के अनुसार लौकिक बाप वहाँ निमित्त बनता रहेगा। अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं, ये तो अलौकिक बाप हुआ ब्रह्मा दादा लेख रहा सूक्ष्म बतलवासी है, वो वर्षा लेता नहीं है, वो भी वर्षा लेता है सतयुग में। जो भी नारायण होंगे वो सब संगम युग में वर्षा लेने वाले हैं। और मेरा कर्मों में फॉलो करना है ब्रह्मा को, बात एक मानिए दोनों में अंतर क्या है, कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है। हाँ जी, और बाप कौन है, फिर क्या बात हो गई, अंतर क्या है, उनको तो देखा नहीं तो कर्मों में फॉलो, उनको देखा नहीं है तो क्या पढ़ा नहीं है, मुरलियां नहीं सुनी है, उनकी हिस्ट्री जानते नहीं है क्या। कोई आदमी को देखा नहीं है, महात्मा गांधी को देखा नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले लोग तो दुनिया में हैं या नहीं है, हैं? हैं? तो ऐसे ही हमने ब्रह्मा को देखा भले नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म जो किए सहनशीलता के, वो सहनशीलता का पाठ हम नहीं बजा सकते क्या, हैं? बाप तो सहनशील नहीं है, बाप के साथ पाठ बजाने वाली जो जगदम्बा है वो भी रुद्रमाला का मणका है, वो भी सहनशील नहीं है, तो कर्मों में उनको फॉलो नहीं करना है, फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है वो तो कोई भी काम करे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं, सूर्य तो पावरफुल है, टट्टी पेशाब को भी खा जाता है, उसको नीच कोई नहीं कहेगा। अग्नि का भी यही हाल है,
जल का भी यही हाल है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहावत है, सदगुरु को या गुरु को कर्मों में फॉलो नहीं करना है। जैसे कर्म गुरु करता है वैसे कर्म चेले को नहीं करने हैं, फॉलोअर को नहीं करने हैं, नहीं तो उल्टा लटक जाएगा। गुरु जो कहे सो करना है। तो प्रजापिता और दादा लेखराज ब्रह्मा, इन दोनों के बीच में कर्मों को किसे फॉलो करना है? नो, कर्मों के आधार पर किसको फॉलो करना है? हैं? दादा लेखराज को कर्मों के आधार पर फॉलो करना है, और वाणी के डायरेक्शन में किसको फॉलो करना है? बाप को फॉलो करना है। बाप के कर्मों को अगर फॉलो करेंगे तो उल्लू की तरह उल्टे लटक जाएंगे। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, उड़ीसा और बिहार में भी बहुत कुछ हुआ, उल्टे लटक गए। इसलिए मुरली में बोला है, शंकर को फॉलो नहीं करना है, कहे में कर्मों में। शंकर का काम शंकर को करने दो, तुम अपना काम करो। तुम ब्रह्मा कुमार हो, तुम अपने टाइटल में लिखते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, शंकर तो नहीं लिखता होगा, लिखता होगा पीबी के हा? लिखेगा हो तो नहीं लिखेगा। और बाबा, हाँ जी, इस ज्ञान को लेके मतलब पंडित लोग क्यों झगड़ते हैं? इस ज्ञान को लेके पंडित ही क्यों झगड़ते हैं? उनकी बुद्धि में क्यों नहीं गए? उन्होंने शास्त्रों के ज्ञान का अहंकार जब तक है तब तक झगड़ा करते हैं। जब शास्त्रों के आधार पर हम ईश्वरी ज्ञान को उनको समझाने लायक बन जावेंगे अथवा प्योरिटी में उनके समान बन जावेंगे, दोनों बातों में से एक बात भी हो जाएगी तो फिर वो झुक जावेंगे। अभी प्योरिटी की पावर भी उतनी नहीं है जितनी दुनियावी ब्राह्मणों में है, और शास्त्रों को क्लैरिफाई करने की भी ज्ञान की इतनी पावर नहीं है जो उनको कन्विंस कर सके। हैं? शास्त्रों को बाप को नहीं मानते? हाँ तो दे ही नहीं पाते। अगर शास्त्रों के एक एक बात का क्लैरिफिकेशन उनको दिया जाएगा तो क्यों नहीं मानेंगे? आपको गीता दे दी जाए, यज्ञ के आदि में गीता थी, वही पुरानी गीता पढ़ करके सुनाते थे, अर्थ करके बताते थे, आप गीता के अनुसार उनको समझाएंगे? एक एक बात का अर्थ बताना पड़े? वो नहीं समझते, कितना ही समझाओ। ये कहो, समझाने वाले नहीं समझदार होते हैं तो नहीं समझते हैं। अपने अंदर की प्योरिटी की पावर और ज्ञान की पावर को हम देखें, दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाएं। अगर दुनिया नहीं समझती है तो हमारी कमजोरी है या दुनिया की कमजोरी को हम देखें? हमारी अपनी कमजोरी है। कैसा कैसा क्या हम सुनाते रहते हो, अभी दुकान जब लगाई नहीं। उनसे प्रश्न किया जाए कि 70 साल पहले तो ये एटम बम नहीं बने थे, अब कैसे बन गए? उनका मुंह बंद हो जाता है।
जो प्रश्न जहाँ करना है वही करना है। क्या अब ये उठा पटक होने लगी, क्लास बंद होता है? बस